हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लर्नर्स एकेडमी। एक्सेल वीबीए में हम फंक्शंस की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे फंक्शंस को एक्सप्लोर कर चुके हैं। आज हम अपने नेक्स्ट इनबिल्ट फंक्शन जो कि है INSTR, इसको एक्सप्लोर करेंगे। INSTR फंक्शन कब यूज़ करते हैं, कैसे इसका कोड लिखा जाएगा, ये आज की वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो इस सीरीज़ को देखने से पहले VBA की बाकी सीरीज़ ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज उस सीरीज़ में आपको बिल्कुल बेसिक समझ में आएगा VBA का कोड कैसे लिखा जाता है, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, लूप्स कैसे लगाई जाती हैं, बिकॉज इस वीडियो में मैं वो सारे कंसेप्ट्स को यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी किए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी ईमेल आईडीज़ हैं। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने फाइंड फंक्शन को यूज़ किया था फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। वैसे तो हम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अपने लेफ्ट राइट एंड मिड फार्मूला से भी ला सकते हैं, लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया था कि मैम, अगर फर्स्ट नेम सबके नेम में जो नंबर ऑफ़ करेक्टर्स है वो डिफरेंट हो तो हम इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तब मैंने आपको ऑप्शन बताई थी कि फाइंड फंक्शन की हेल्प से आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे INSTR फंक्शन की, जो कि बिल्कुल सेम वैसे ही काम करता है जैसा हमारा फाइंड फंक्शन काम करता है। फाइंड और INSTR फंक्शन दोनों ही आपके किसी भी करेक्टर की लोकेशन को फाइंड करने में हेल्प करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए आस्था शर्मा है, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में हमारे पास स्पेस है, मुझे स्पेस फाइंड करनी है कि कितने करेक्टर्स के बाद स्पेस है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, या फिर मुझे देखना है प्रियल में वाई कहाँ पर आता है, किस लोकेशन पे वाई आता है, तो फोर्थ प्लेस पे आपका वाई आता है। तो ये काम हमें कौन करके देगा, आपका फाइंड और INSTR फंक्शन। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि अगर फाइंड और INSTR दोनों सेम तरह से काम करते हैं, आउटपुट हमें सेम देते हैं, तो ये दो अलग अलग फंक्शंस क्यों बनाए गए हैं। तो बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको अब देने वाली हूँ। जो फर्स्ट डिफरेंस है हमारे फाइंड और INSTR में वो ये है कि फाइंड फंक्शन आपको एक्सेल में भी मिल जाएगा, लेकिन जो INSTR फंक्शन है वो हमारा प्योरली VBA का फंक्शन है, उसको आप एक्सेल की शीट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर मैं फाइंड की बात करूं तो फाइंड फंक्शन आप एक्सेल की शीट पे भी अप्लाई कर सकते हैं और VBA में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी फाइंड फंक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप वो वीडियो चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर वो वीडियो में दिया गया कंटेंट आपको क्लियर होगा तो ये वीडियो आपको समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो सेकेंड डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं, तो उसके लिए मैं डिवेलपर टैब में विजुअल बेसिक पर क्लिक करूँगी, और यहाँ पे हमारा नया मॉड्यूल आ चुका है। तो देखिए शुरुआत करते हैं अपने सब प्रोसीजर से। तो सबसे बेसिक पहले हम वही मैसेज बॉक्स की हेल्प से इस फंक्शन को समझेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है जो मेरी वैल्यू को स्टोर करेगा। इस x वेरिएबल में हम दे देते हैं रेंज, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ a2 डॉट वैल्यू। a2 सेल में जो भी वैल्यू है वो मेरी किस में चली जाएगी, x में, मतलब आस्था शर्मा मेरा कहाँ चला गया, आपके x वेरिएबल में। तो अब मैसेज बॉक्स लगाएंगे जी और INSTR फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो देखिए इसके लिए मुझे कोई भी क्लास इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पैरामीटर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके जो पैरामीटर्स हैं, तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हमें देने होते हैं। फर्स्ट है स्टार्ट,
मीन्स जो आप लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं उसकी सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? तो मैं दे देती हूँ वन से, मतलब फर्स्ट करेक्टर से ही वो स्टार्ट हो जाए। उसके बाद है कि आपने फाइंड क्या करना है। अब मुझे किस में से फाइंड करना है, स्ट्रिंग नंबर वन किस में से फाइंड करना है, स्ट्रिंग नंबर टू क्या फाइंड करना है। तो मुझे किस में से फाइंड करना है, मुझे आस्था शर्मा से फाइंड करना है, तो वो वैल्यू मैं एक्स में दे चुकी हूँ तो मैं एक्स लिखूँगी। स्ट्रिंग टू, स्ट्रिंग टू कहती है कि मुझे क्या चीज़ फाइंड करनी है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे टी फाइंड करना है, तो मैं डबल कोटेशंस में टी लिख देती हूँ और इसको कर देती हूँ क्लोज। सॉरी, यहाँ पे मैसेज बॉक्स हमारा एक्स आएगा। तो अब मैं इसको करती हूँ रन, F5 करेंगे तो इसने मुझे यहाँ पे लोकेशन दी 4, तो बिल्कुल सही 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं अगर मैं इसको कर देती हूँ लोकेशन नंबर 2 कि मुझे सेकंड लोकेशन से सर्च करना है, तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तब भी मेरे पास लोकेशन क्या आई है, 4। ऑल दो इसने सेकंड करेक्टर से सर्चिंग स्टार्ट की है, लेकिन ये रिटर्न में आपको वही लोकेशन देगा फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ योर स्ट्रिंग। आपकी स्ट्रिंग जहाँ से स्टार्ट हुई है 1, 2, 3, 4, टी की लोकेशन हमेशा क्या रहेगी, 4th। सर्चिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं सर्चिंग यहाँ पे 3rd करेक्टर से स्टार्ट करूँगी तब भी मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो 4 है, कि टी की जो लोकेशन है दैट इज़ दी 4th करेक्टर। अगर मैं इसको 4 से स्टार्ट करूँगी अगेन आई विल गेट 4, टी की लोकेशन फिर भी 4 रहेगी। ऑल दो आपने सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट की है, 4th करेक्टर से ही स्टार्ट की है और 4th पे ही उसको टी मिल गया, लेकिन उसने आपको रिजल्ट क्या दिया, 4। ये जो रिजल्ट होता है INSTR का, दैट इज़ फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ 5, तो अब मैं देखिए अब मेरे पास रिजल्ट आया है 0। अब उसने 5th से सर्चिंग तो की 5th करेक्टर से, 5th करेक्टर के बाद उसको टी नहीं मिला, इसलिए उसने हमें लोकेशन क्या दी, 0। अगर मैं यहाँ पर सेम प्रोसेस अप्लाई करूँ विद दी हेल्प ऑफ फाइंड फंक्शन, अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा फाइंड और INSTR में। तो फाइंड यूज़ करने के लिए देखिए हमारे पास कोई भी करेक्टर लिस्ट नहीं आ रही है, तो इसे मुझे क्लास यूज़ करनी होगी, तो इसकी क्लास होती है वर्कशीट फंक्शंस। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी फाइंड, तो देखिए अब मेरे पास पैरामीटर लिस्ट जो है वो आ गई है। सबसे पहले मेरा फर्स्ट करेक्टर है आर्ग्यूमेंट 1 एज स्ट्रिंग। मुझे क्या चीज़ ढूंढनी है, मुझे ढूंढना है टी। इसके पैरामीटर्स और उसके पैरामीटर्स में शफलिंग है किस वे से हम उसको लिखते हैं। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट 2 एज स्ट्रिंग, किस में से ढूंढनी है। अब मुझे ढूंढना किस में से है, वो आस्था शर्मा से, तो मैं यहाँ पे एक्स यूज़ करूँगी कॉमा। आर्ग्यूमेंट 3 एज डबल, तो मुझे सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, अगेन आई विल राइट फ्रॉम 1। तो अभी मैं फर्स्ट वाले को कमेंट बना देती हूँ INSTR फंक्शन को। अब हम इसको रन करेंगे तो देखिए इसने भी हमें 4th लोकेशन दी। यहाँ पे हमारी सर्चिंग, अब हम सेकंड करेक्टर से स्टार्ट करेंगे, अगेन मुझे 4 मिला। इसका मतलब फाइंड भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे INSTR कर रहा है। आप जिस लोकेशन से सर्चिंग करने के लिए दोगे वहाँ से वो सर्चिंग तो ज़रूर करेगा, लेकिन जो हमें वो आउटपुट देगा वो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द स्ट्रिंग देगा, वहाँ से नंबर ऑफ करेक्टर्स को वो काउंट करेगा। अगर मैं 3 दूंगी अगेन वो मुझे 4 रिटर्न कर रहा है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अगर हम 4 देंगे तो देखिए फिर से हमें आंसर 4 ही मिला है, 4th लोकेशन पे टी है। अगर मैं अब यहाँ पे 5 दे देती हूँ तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या होगा, दिस वन। आई विल गेट रन टाइम एरर 1004 विच सेज अनेबल टू गेट द फाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द वर्कशीट फंक्शन क्लास। जो वर्कशीट फंक्शन क्लास है उसकी ये फाइंड प्रॉपर्टी को ढूंढ नहीं पा रहा है,
इसको एंड करेंगे और यहाँ पे अपनी जो सर्चिंग लोकेशन है उसको चेंज करेंगे। तो ये सेकंड मेजर डिफरेंस है। अगर फाइंड फंक्शन की हेल्प से आपको वो करेक्टर नहीं मिला तो आपकी एग्जीक्यूशन वहीं पे रुक जाएगी, आपको एक एरर मैसेज जनरेट होता है। जबकि INSTR कोई भी एरर मैसेज नहीं जनरेट करेगा, आपकी एग्जीक्यूशन को वहाँ पे रोकेगा नहीं, आपका प्रोग्राम आगे आगे चलता रहेगा लेकिन आपको रिटर्न में ज़ीरो दे देगा। ज़ीरो इंडिकेट्स कि उसको वो करेक्टर पूरी स्ट्रिंग में नहीं मिला है जहाँ से भी आपने सर्चिंग की है। तो ये आपका यहाँ पे सेकंड डिफरेंस है। तो मोस्टली फाइंड फंक्शन को हम एक्सेल में यूज़ करते हैं, लेकिन INSTR को हम अपनी जितनी भी आपकी विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस हैं उसमें ये फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि इसको अब हमने यूज़ करना है अपनी शीट में, और शीट में मैं इसकी हेल्प से अब क्या करूँगी, ये जो ईमेल लिखा हुआ है इसको मैं सेपरेट करूँगी। ईमेल में देखिए ये नाम है, जैसे आस्था है, प्रियल है, तो ये डोमेन है, तो ये डोमेन नेम अलग हो जाएगा और gmail.com आपका अलग हो जाएगा। तो उसके लिए सेम हम वैसे ही प्रोसेस करेंगे जैसे हमने फाइंड की हेल्प से किया था और हमने यूज़ किए थे लेफ़्ट फंक्शन, मिड फंक्शन, उसी तरह हम इसको यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लेती हूँ। सबसे पहले हम x को लेंगे लॉन्ग, एंड इसी के साथ y वेरिएबल लेंगे, अब हम फॉर लूप रन करेंगे x इक्वल्स टू 2 to 8, बिकॉज जो मेरा डेटा है वो A2 या फिर आप बोल सकते हो B2 से लेकर B10 में है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 10 कर देते हैं। तो देखिए अब फर्स्ट काम क्या होगा, मुझे इन दोनों को सेपरेट करना है यूजिंग अ सेपरेटर एट द रेट। मैं एट द रेट की जो लोकेशन है वो फाइंड करूँगी, तो वो किसकी हेल्प से करूँगी, यूजिंग INSTR। तो मैं लिखूँगी x इक्वल्स टू, ये कोड बिल्कुल ही वैसा है जैसा हमने किया था यूजिंग फाइंड फंक्शन। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक फाइंड फंक्शन की वैल्यू नहीं देखी है, वीडियो नहीं चेक की है, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको इसका कोड जो है वो समझ में आ जाएगा। अब हम इसमें अपने पैरामीटर्स देंगे कि स्टार्ट कहाँ से होता है। फर्स्ट लोकेशन से स्टार्ट करेंगे, कॉमा, नेक्स्ट हमारा डेटा पड़ा है बी सेल में, तो मैं यहाँ पे दूंगी रेंज बी, और इसको मर्ज करेंगे एक्स के साथ, कॉमा। अब मुझे फाइंड क्या करना है, एट दी रेट फाइंड करना है, तो मैं मुझे इसकी हेल्प से क्या होगा, एट दी रेट की जो लोकेशन होगी वो पता चल जाएगी, एंटर। अब मैं अपने फॉर्मूलाज यूज़ करूँगी लेफ्ट और मिड, जिसकी हेल्प से हम ई और एफ सेल में अपने डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करूँगी कोड, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ई एंड एक्स इक्वल्स टू, जितना भी हमारा एट द रेट से लेफ्ट में डेटा पड़ा हुआ है वो सारा आपके ई सेल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो रेंज सेकेंड पैरामीटर देते हैं, लेंथ, लेंथ होगी जितनी भी हमने वाई में क्या जाएगा आपका, सॉरी इसको हम यहाँ पे वाई में स्टोर कर लेंगे। ये जितना भी आपका एट द रेट वाली जो पोजीशन है उसको हम वाई में स्टोर करेंगे, तभी हम यहाँ पे वाई तक उस लूप को चलाएंगे। एंड इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, और एट द रेट के बाद जितना भी कुछ लिखा हुआ है gmail.com वो सारा आपका एफ सेल में चला जाएगा, F2, F3, F10 तक। तो रेंज दिस, और यहाँ पे मैं लिखूँगी y+1,
बिकॉज जो एट द रेट के बाद वाली लोकेशन है वहाँ से टेक्स्ट आपका सारा, और थर्ड पैरामीटर आपका होता है मिड फंक्शन में टोटल कितनी लेंथ चाहिए, तो मैक्सिमम हम 20 ले लेते हैं। और इस कोड को करूँगी मैं रन, तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट एंड एक्स। मैंने F5 किया, जैसे मैंने F5 किया आप देख सकते हैं आपके जो ई सेल में नाम आ गया है आस्था, gmail.com आपका एफ सेल में चला गया है, देखिए। तो ये लेफ्ट मिड फंक्शन मैंने कैसे अप्लाई किए हैं, तो प्लीज़ इसके लिए आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो मेन कंसेप्ट हमारा ISTR फंक्शन का है, जिसकी हेल्प से आप किसी भी करेक्टर की लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं एक स्ट्रिंग में, और उसी को यूज़ करके अब हमने इस ईमेल आईडीज में से अलग अलग डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे और कंसेप्ट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। Thanks for watching this video. Keep supporting us.